सेवा कर रही हैं, उस तरह से पुरुष वर्ग भी आगे बढ़कर अपनी सेवाएं पूरे समाज में समाज सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नितेश कुमार साहू जी, जो समाज सेवक हैं और इनकी एक संस्था है फुलवारी शिक्षण युवा समूह। बात करते हैं कि आखिर किस तरह से ये अपने समाज में शिक्षा के माध्यम से सेवा जैसा कि आपने बताया कि युवा कल्याण समिति हमारी संस्था जो ग्रामीण युवाओं की शिक्षा के लिए और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए गांव में लाने के लिए और किसानों के लिए कार्य कर रही है। स्वतः से संस्था 5 सालों से कार्य कर रही है, सक्रिय रूप से अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, सब आज के भी हिस्सों में काम कर रहे हैं। और कोविड के टाइम में जब बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन हमारी संस्थाएं उन युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जो डिप्रेशन के शिकार में आज हो चुके थे। हम ऐसे लोगों को काउंसलिंग किए और लगभग उन्होंने 150 से ज़्यादा हमने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कराए, जिसमें सिर्फ भारत की नहीं विश्व के नामी जाने नाम हर क्षेत्र को लाए, चाहे उसको एजुकेट हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे एनजीओ वर्कर हो, और हम सबके अलग अलग संस्कृति क्षेत्र हो, कला के क्षेत्र हो, हमने बहुत सारे सेशन चलाए, बहुत सारे बच्चे से लाभान्वित हुए और उसमें से बहुत सारे बच्चे जो सेशन लिए थे आज अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम ख्याति अर्जित कर रहे हैं। और हम सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराया बल्कि उनको सपने को साकार करने के लिए जो कृषि संसाधन मुहैया करानी चाहिए वो सब हम लोग कराए थे। साथ ही साथ संस्था रूप से ग्रामीण अंचल में जो जहाँ विद्यालय भी है वहाँ जाके वहाँ स्थानीय वॉलंटियर के माध्यम से एकल विद्यालय के रूप में 20-25 बच्चे को एकत्रित करके स्थानीय जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं उनके सहयोग लेकर हम लोग स्थानीय स्तर पर शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग कृषि को लेकर कार्य कर रहे हैं, कृषि में खास करके हम लोगों को कृषि के अलावा हम उसमें लोगों को पक्षता के लिए प्रेरित कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग जल संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं और लोगों को क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 64% जो आबादी है कृषि पर निर्भर है और किसान समाज का ऐसा समुदाय है जो हमेशा हर जब जरूरत के समय में जैसे भी अकाल पेंडेमिक आया तो कृषि एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने देश को संभाला और तो हमें खास करके समाज को हमेशा अनदेखी किया गया है, हाशिए पे रखा गया है। तो हम लोग छोटे छोटे विकास कार्य किए हैं जिसमें सबसे पहले हम उनके जो किसान के जो अनाज है या फिर जो भी उत्पादन है उनके मूल्य में कैसे वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वैल्यू एडिशन कैसे हो सके उनके सामानों का, इसके लिए हम छोटे छोटे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत सारे संस्थाओं को हम लोग मदद कर रहे हैं, किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। मैम बेसिकली मैं ग्रामीण क्षेत्र से तिवारी गांव से और जब मैं हरिदास विश्वविद्यालय पढ़ाई करने के लिए आया तो यहाँ आकर मुझे अनुभव हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे अवसर मिला पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान में। तो मेरे को लगा कि जब मेरे को यहाँ आने के बाद अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है तो मेरे आसपास के रहने वाले साथियों को भी, मेरे परिवार के लोगों को भी ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ वहाँ अध्ययन कर किया और अध्ययन करते करते मैं वहाँ गुरु हरिदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। निर्वाचन होने के बाद मैं पूरा अपने आप को समाज सेवा के समर्पण कर दिया। मैं सिर्फ विश्वविद्यालय कैंपस में ही रहा, जब भी समय मिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान मैं गाँव में गया, विद्यालयों में जाता था, महाविद्यालयों में जाता था, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के बारे में लोगों को बताता था, उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता था उनके लिए स्थानीय स्तर पर। उसी समय से मैं उन लोगों की तैयारी के लिए मार्गदर्शन के लिए शिविर लगाना चालू किया और मैं अपने प्रयास से अपने गाँव के आसपास से गाँव के बच्चे को यहाँ शहर के अन्य संस्थानों में पढ़ाने के लिए लाने के लिए प्रेरित किया। उसके अलावा सिर्फ शहर के नहीं, जब ऐसा मैं काम करते गया लोग मेरे को जानते गए तो बहुत सारे बच्चे संपर्क में आए, उनको मैंने पढ़ाने लिखाने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी। और जब मैं हरिदास केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था उसी दौरान मेरे नेहरू युवा केंद्र संगठन करके भारत सरकार युवा कार्यक्रम के मंत्रालय के एक संगठन है, उसमें उसके बारे में पता चला जो ग्रामीण युवाओं के लिए कार्य करती है, उनके हित के लिए कार्य करती है। तो मैं भी उसमें एक यूथ क्लब बनाया और यूथ क्लब के
मेंबर के रूप में काम करना चालू किया और जहाँ हम लोग वहाँ लोगों को स्वावलंबन के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना से सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम कराते गए। उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते रह गए और जैसे ही मेरी एमए की पढ़ाई पूर्ण हुई फिर मैं उसमें नेहरू केंद्र लोरनी ब्लॉक का मैं राष्ट्रीय संत सेवक बना, जिसमें मेरे को ग्रामीण युवाओं का यूथ क्लब बनाता था। मैंने लगभग 250 यूथ क्लब बनाया। हमारे मन में हमेशा शिक्षा को लेकर रक्षा करने का ललक था। पहला और दूसरा किसान परिवार से होने के नाते हमेशा हम लोगों ने अपने आसपास में समस्याएं देखा और हमने भी कई प्रॉब्लम महसूस किया, तो हमको लगा कि हम जीवन में कुछ कर पाएँ। कम से कम हमारे जैसे उनको अवसर नहीं मिल पाता, जानकारी नहीं मिल पाता, हम उनको तक जानकारी पहुँचाएँ, हम उनके लिए उनके जीवन में खुशियाँ का माध्यम बने, ऐसा एक सोच बना के चल रहे हैं और निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं। और कभी भी हमने जीवन में सरकारी नौकरी को हमने अपनी प्राथमिकता में ही रखा। हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम हमेशा हम किसान के लड़के होने के साथ हमने किसानी को अपने जीवन के हिस्से के रूप में चुना है। हम खेती किसानी भी करते हैं, हम पीएचडी की पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन हम किसानी करेंगे और किसान के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करने का, उनके जीवन में खुशहाली लगाने का ध्येय है। और हम अपने मूल काम अभी किसानों के साथ मिल के एफपीओ के माध्यम से किसानों को एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, ताकि राज्य में भी ऐसी कोई किसानों के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, उनके जो मूल्य को जो भी उनके उत्पादन है उनको अच्छा कीमत पे मार्केट में उपलब्ध करा सके, ऐसा कोई सरकारी प्रयास नहीं दिखता। तो हम समुदाय के लोग हैं, समुदाय की चिंता हम लोग ही करेंगे, तो हम लोग अपने स्तर पे छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। हम छोटे छोटे चीज़ को हम मार्केट में पहुँचा रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी कोशिश है हम जब हम संगठित हो जाएंगे, हमारे पास किसानों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, संसाधन जब अच्छा हो जाएगा, तो हम खुद अपना खुद का हम एक ट्रेनिंग सेंटर एग्री बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, ताकि वहाँ किसान आएंगे और अपने जो भी उत्पाद है उसके प्रोसेसिंग के बारे में सीखेंगे, प्रोसेसिंग के बारे में सिखाएंगे, हम उनके मार्केट के मार्केटिंग सिखाएंगे, हम उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाएंगे। ऐसी हमारी योजना है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग अभी हमारे साथ 500 किसान जुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अपने गांव के नाम से अपनी संस्था का नाम रखा हूँ, क्योंकि आदमी जन्म होता है और जन्म के साथ साथ उनका पहचान में माता पिता का नाम होता है, गांव का, जिला का, सब जगह का नाम होता है, और लास्ट में आदमी का जब मर जाता है तो उनके गांव का ही याद रहता है। तो हम कोशिश की हमारे जो गांव है उसको सब सम्मान के साथ देखें, और सब लोग का मानना है कि जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से महान होती है, और इस जीवन में अपने गाँव के लिए कुछ करने का अवसर मिले, उनके नाम बढ़ाने का अवसर मिले, तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, इसलिए मैं अपने संस्था का नाम अपने गाँव रखा। शिक्षा पे काम कर रहे हैं, वो शिक्षा का मतलब सिर्फ फॉर्मली एजुकेशन नहीं होता कि आप 10वीं 12वीं BA MA के बच्चे को आप पढ़ाएं, शिक्षा का बहुत बड़ा लेवल ब्रांड कॉन्सेप्ट है और हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं। आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि मेरे गांव में एक स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें पिछले गवर्नमेंट ने हाई स्कूल उन्नयन किया था, गवर्नमेंट ने हाई स्कूल उन्नयन कर दिया, लेकिन वहाँ एक भी टीचिंग स्टाफ नहीं थे, लगभग 32 बच्चे पढ़ते थे बिना शिक्षक के, और साथ ही साथ उनका भवन नहीं था। तो पहले तो हम अपने स्तर पे अपने दोस्त से बात किए कि आप पढ़ाएंगे और हम आपको कुछ मानदेय देंगे, हमारा दोस्त वहाँ पढ़ाना चालू किया, और फिर भी बहुत सारे विषय होते हैं और हर एक कोई हर विषय में एक्सपर्टीज हो नहीं सकता, तो और वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, तो हमने अपने स्तर पर प्रयास किया कि वहाँ परमानेंट फैकल्टी हो। वो परमानेंट फैकल्टी को लेकर मैंने अपने जिला कलेक्टर कार्यालय गया, तो पहले वो स्ट्रगल करना पड़ा कि कलेक्टर से कैसे मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरे जिला में 1500 टीचर की कमी है, और अगर कहीं दूसरे जगह के टीचर को अगर आपके गाँव में हम पदस्थ करते हैं तो फिर वहाँ कौन पढ़ाएगा, तो इसका तुम्हारे पास समाधान है, आप लोग मांग करने आ जाते हो तो समाधान रहता नहीं। तो मैंने एक सुझाव दिया था उस समय भारत सरकार कि उस समय मैं NYB था, नेहरू केंद्र संगठन में भारत सरकार की संस्था था, तो मेरे को पता चला था कि स्कीम के बारे में जिनके अंतर्गत में अपन और जो जिला प्रशासन को मद का उपयोग और उसके लिए कार्य कर सकती है। विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना नाम था, तो युवाओं के लिए इसके लिए वो काम करना होता था,
तो उसी स्कीम के अंतर्गत जिला कलेक्टर ने लगभग 1500 टेम्परेरी बेस पे अतिथि शिक्षक का नियुक्ति किए थे। तो पूरे जिला में जो टीचर की जो समस्या का थी वो निदान हो चुका था। उसके बाद हमने वहीं पर हमने रुके, हम लोगों ने प्रयास करके अपने गाँव में परमानंद जब जहाँ हायर एजुकेशन मिनिस्टर आया सॉरी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ आए तो उनसे बात किए, पूरे बात को बताए, तो उन्होंने तुरंत हमारे गांव में स्कूल के लिए टीचर अपॉइंटमेंट किए थे। तो ये तो सरकारी प्रयास के लिए था। उसके अलावा हम व्यक्तिगत उसको रखते हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देती है और समय समय में हमारे जो टीम के जो लोग हैं वहाँ जाते रहते हैं, बच्चों को परीक्षा लेते रहते हैं और अन्य जो शैक्षणिक उत्तर जो गतिविधि होती है खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते रहते हैं। शिक्षा है सब जगह तक पहुँच नहीं पहुँच पाए हैं और अभी भी जो हमारे जो जिला का जो शैक्षणिक जो जो पिछले जो जनगणना था 2011 का मुझे था तो 74.64% कुछ रहा है। तो अभी भी समाज का बड़ा हिस्सा उस शिक्षा से वंचित है। अभी भी देखा जाए आज तेजी से प्राइवेट स्कूल गाँव गाँव में खुल रहे हैं, उसके बाद भी जो सुदूर अंचल क्षेत्र हैं वहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच रही है। कुछ क्षेत्रों में तो बहुत सारी जगह की समस्याएं होती हैं, जैसे मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पाया है, जैसे ATR हो गया तो वहाँ कोई पक्का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं सकता तो वहाँ सरकारी स्कूल नहीं बन सकती, या फिर कई बार ऐसा होता है विद्यालय होते हैं लेकिन वहाँ शिक्षक जाना नहीं चाहते, शिक्षक गए तो 1-2 साल बाद ट्रांसफर करा लेते हैं, विद्यालय हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, एक जगह शिक्षक है तो भवन नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें सरकार का भी दोषी है, समाज के लोग भी दोषी है, हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि सब काम सरकार का नहीं करता है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हमारी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम सब लोग सुविधा चाहते हैं, हर आदमी को सामान्य जीवन चाहिए, लग्जरियस जीवन चाहिए, तो हम पे भी डिपेंड करता है हम कितना एफर्ट करते हैं भाई। अगर मौन भी नहीं है तो हम लोग हमारे में अगर पढ़ाने का जुनून है तो हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन कई जगह विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो वैसे जगह पर हम लोग एक विद्यालय चलाते हैं। एक्चुअल इंटरव्यू हमारे पास 250 लोग हैं जो पूरे संभाग में काम करती है और मेन टारगेट एजुकेशन है, उसके अलावा एजुकेशन के साथ साथ स्वच्छता, गर्मी की नाले हम लोग जल संरक्षण के लिए जगह जगह जो छोटे छोटे नाला है उसको चेक डैम बनाएंगे, उसको पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, तो इस तरह छोटे छोटे की जो जरूरत जिस समय जैसा रहता है कार्य करते रहते हैं। नहीं पूरे संभाग में एक्टिव हमारा जो मेन काम बिलासपुर में दिल्ली जिला में, लेकिन बाकी जगह भी हमारा कार्य है लेकिन करप्शन नहीं है, ठीक है। आप दूसरे सेक्टर में आप जाएंगे तो बहुत करप्शन है, तो किसानी करना स्वाभिमान का बात है, प्रतिष्ठा का बात है, लोगों को समझाना है और किसानी हमेशा जब हम अपने बुजुर्गों के समय सुनते आ रहे हैं कि किसानी को कम माना गया था, मध्यम रोजगार नौकरी को माना गया था, लेकिन आज परिस्थिति अलग है तो हम किसी को ऊपर नीचे नहीं मार रहे हैं, बट ये है कि लोग किसानी से नाश्ता ना छोड़े, अगर किसान के क्षेत्र में आप इंडस्ट्री में जाए, किसानों को प्रमोट करें, किसानी को आप लोग प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, ऐसी हमारी कामना है ताकि जो नया यूथ है वो किसान से मिट्टी से जुड़ सके। सर आपने बताया था अपने आप एनजीओ नशा मुक्ति प्रोजेक्ट करता है, कैसे अवेयर करते हैं ऐसे लोगों को? हम अवेयरनेस जैसी कार्यक्रम करते हैं नशा के लिए, करना जन जागरूक अभियान चलाना, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा रिजल्ट भी दिया है, एक लगभग 2014-15 की बात है जब उस समय शराब जो दुकानें हैं वो गवर्नमेंट चलाती थी, ठेका देती थी, ठेकेदारों के माध्यम से चलता था, तो कोनी में ही एक दारू भट्टी थी जिसके चलते एजुकेशनल हब है कोनी, वो आस पास वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत खराब हो रहा था और आज एक्सीडेंट होते रहते थे, तो हम लोगों ने सामूहिक प्रयासों से छात्रों के वहाँ हम लोग एक बहुत अच्छा मूवमेंट लाया था और उसका परिणाम ये हुआ था कि दारू भट्टी वहाँ से लिफ्ट हो गई थी। उसके अलावा हम लोग मेनली अवेयरनेस बेसिक प्रोग्राम करते हैं, उनके हम महिलाओं को ज़्यादा पकड़ते हैं, छोटे बच्चे को ज़्यादा पकड़ते हैं, क्योंकि आदमी कभी हम डायरेक्ट बात करते हैं तो वो समझता नहीं, लेकिन बच्चे को अगर बच्चे समझाता है, घर की माताएँ समझाती हैं तो आज थोड़ा हाउप हो जाता है, तो कितना रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं पता, लेकिन
हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच मैम हमसे खास बातचीत के लिए, हमें अपनी एनजीओ के बारे में देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।